हेलो फ्रेंड्स, देखिए अगर आप जॉब प्रोफाइल पर्सन है या इन केस अगर आप पार्ट टाइम आप ट्रेडिंग करते हो, मीन्स आप फुल टाइम ट्रेडिंग में नहीं दे सकते, तो आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग में बिल्कुल रिस्क कम होता है, लो रिस्क होता है और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर भी हो तब भी आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग से आपको रेगुलर इनकम जनरेट होती है, एवरी मंथ आपको प्रॉफिट जनरेट होता रहता है। अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग एक सेटअप बढ़िया एक बेस्ट सेटअप हो कि कब हमने किसी स्टॉक में एक परफेक्ट एंट्री करनी है और कब हमने एग्जिट करना है और क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स नमस्कार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फिर स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बिल्कुल रिस्क फ्री ना के बराबर और रिटर्न जिसमें आपको काफ़ी गुना मिले। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आप किसी स्टॉक को आज बाई करते हो और उसको आप कपल ऑफ वीक्स मीन्स 1 week 2 week 3 4 weeks उसको आप होल्ड करते हो कि जब तक आपका टारगेट या स्टॉप लॉस पहले ना आ जाए तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड करते हो। बिकॉज अगर आप होल्ड करोगे तब भी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं आप सबके लिए एक ऐसा सेटअप डिस्कस करने जा रहा हूं जो बिल्कुल रिस्क फ्री है। बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को कंप्लीट सुने, बिकॉज अगर आपने स्किप करके सुना, आधी अधूरी जानकारी की सुना, तो फिर आपका लॉस होगा। क्योंकि बिकॉज मैं आपको बताऊंगा टू टाइप्स ऑफ एंट्री की एंट्री हमने कैसे लेनी है, डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। और इसमें टारगेट आपका मिनिमम टारगेट रहेगा एक स्टॉक का मिनिमम 30-40% तक का, और SL भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पुराने फॉलोअर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम और यूट्यूब के साथ, तो उनको ऑलरेडी पता ही है कि जैसे मैं चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक देखता हूं तो आपने देखा होगा तो कैसे वो 20% एक दिन में ही उसमें रिटर्न आ जाती है, या फिर कई बार वो स्टॉक को ही 100% भी रिटर्न दे जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ टारगेट आपको मिनिमम बता रहा हूँ, यहाँ पर मिनिमम मीन 30-40% की रिटर्न एक स्टॉक में। तो इसमें देखिए सेटअप में हमने क्या करना है, कोई ज़्यादा इंडिकेटर नहीं यूज करने, सिर्फ ये देखिए यहाँ पर हमने एक EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 और मूविंग एवरेज 200, ये सिर्फ दो इंडिकेटर लगाने हैं। और जो टाइम फ्रेम हम डिस्कस करेंगे वो 1 week और डेली का टाइम फ्रेम, बट इसमें एंट्री कैसे लेनी है कब लेनी है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसलिए अगर आप स्किप करके सुनोगे तो फिर आप मुझे बाद में ब्लेम मत लगाना प्लीज़। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना, नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप जाओगे कि देखिए इंडिकेटर यहाँ पे है, मेंशन किया हुआ है, आपको सभी अपने डीमैट में इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पे सबसे पहले ये आपको शो कर ही रहा है यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो ये हमने यहाँ पर लगा देंगे, या फिर आप EMA करके भी सर्च कर सकते हो अपने। तो ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये मूविंग एवरेज क्या होता है, क्या लॉजिक होता है, इसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी यूट्यूब पर। और यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में आप यहाँ पे 200 करोगे और यहाँ पर आप ब्लू कलर दे सकते हैं, दूसरा भी लगाएंगे सिर्फ इसी के साथ का मूविंग एवरेज। तो ये है मूविंग एवरेज, यहाँ पर मूविंग एवरेज अपडेटेड ये वाला हम लेंगे और इसमें भी हम 200 डेज ही करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमने 200 डेज और यहाँ पर हम कलर कर रहे हैं रेड। गाइस 200 डेज की मूविंग एवरेज का मतलब होता है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, 200 डेज का मतलब है कि लास्ट 200 अगर हम जैसे वीकली का अगर चार्ट निकाल रहे हैं तो इसका मीन कि लास्ट 200 वीक का एवरेज प्राइस। तो मूविंग एवरेज में आपको आता है एवरेज प्राइस और EMA में उसमें भी एवरेज प्राइस आता है, बट उसमें लेटेस्ट के जो प्राइस होते हैं लेटेस्ट के उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है।
और इसमें आपको जो चार्ट देखने हैं, जो एट लिस्ट जिसमें लिस्टेड हो चुका है ऑलमोस्ट फॉर ईयर, तो तभी आपको वो दिखाई देगा ये इंडिकेटर, ये मूविंग एवरेज, अदरवाइज आपको ये शो नहीं करेगी। क्योंकि 1 ईयर में होते हैं 52 वीक, तो 4 ईयर में जाकर वो 200 वीक बनेंगे। बिकॉज हम सबसे पहले जो टाइम फ्रेम लगा रहे हैं वो है 1 वीक का, तो आपने ये जो टाइम फ्रेम चार्ट है ये है 1 वीक, 1 वीक टाइम फ्रेम चार्ट। अभी हम पहले 1 वीक के चार्ट लगाएंगे, तो 1 वीक का आप चार्ट यहां पे लगा रहे हो। तो अभी इसमें आप देखिए एंट्री कैसे लेना है। तो एंट्री आप देखिए, ये स्टॉक पहले देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने स्टॉक लिया हुआ है ये MRPL, तो यहां पे ये देखिए ये स्टॉक पहले यहां पर अप ट्रेंड जा रहा था। तो हमने टू टाइप्स ऑफ एंट्री आपको मिल सकती है किसी भी एनी स्टॉक में। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है कि यहां पे ये देखिए ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में यहां पर आना स्टार्ट हुआ था। वैसे तो अगर किसी को प्राइस एक्शन आता है तो यहां पर भी एग्जिट हो जाता, बट तो यहां पर इसमें देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और ये कंटिन्यू देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर वीकली के चार्ट पर ये दोनों मूविंग एवरेज के प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो इट मींस वो डाउन ट्रेंड में है, आपने उसमें एंट्री नहीं करनी, आप उसमें फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे वीकली चार्ट पर भी। जैसे मोस्टली सिर्फ जो ट्रेडर होते हैं वो डेली के चार्ट पे देखते हैं, बट हम यहां पर वीकली के चार्ट पर भी देखते हैं कि वीकली के चार्ट पर 200 डेज के EMA और मूविंग एवरेज दोनों के बिलो है या फिर ऊपर है। तो यहां पे ये देखिए ये मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था जब यहां पर ब्रेकआउट दिया था। तो हमने एंट्री कब करनी है, यहां पे ये देखिए ये पहले यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया, ये ब्लू कलर की है, ये है 200 डेज की EMA और रेड कलर की है 200 डेज की मूविंग एवरेज, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहां पे आप देखोगे ये देखिए प्राइस पहले इसने देखिए EMI को टच किया, फिर ये सेकंड टाइम मूविंग एवरेज को भी टच किया, और ये 2 बार देखिए रिस्टेंस ले लिया इसने यहीं पे। तो जो रिस्टेंस देखते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे रिस्टेंस भी मिल गया था, यहाँ पे तो रिस्टेंस भी मिल गया, बट अगर आपको रिस्टेंस भी नहीं अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते तो यहाँ पे ये देखिए ये प्राइस ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने। ये मिस आपने एंट्री कब लेनी है, एंट्री लेनी है जब प्राइस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोजिंग दे दे। तो यहां पर मैंने देखिए टाइप करके मेंशन भी कर दिया कि एंट्री व्हेन प्राइस क्लोज हो वो बोथ मूविंग एवरेज, जब उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो फिर आपको यहां पर इसके हाई के ऊपर बाय करना है। जैसे इसमें देखिए इसमें 55 के ऊपर एंट्री मिली और ये देखिए प्राइस उसके बाद कितनी फास्ट मूव गया, ऑलमोस्ट 55 से लेकर ये 120, मीन्स यहां तो आप देखिए कि 100% से भी ज्यादा इसमें रिटर्न मिल गए। अगर आप 30-40% में भी निकल जाते तब भी देखिए काफी सफिशियंट, और स्टॉक में तो 100+ मिल गए। बट इसमें साथ में आपने ये भी देखना है कि जब ये जैसे यहाँ पर 18 अप्रैल 2022 को उस टाइम डेली के चार्ट पर भी आपको कंफर्मेशन मिले कि जो प्राइस दोनों प्राइस के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो ये देखिए अगर जो डेली का चार्ट सिर्फ जो डेली के चार्ट पे देखते हैं मूविंग एवरेज, तो ये देखिए आपको बार बार यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बार बार सपोर्ट तो ले रहा था फिर नीचे भी आया यहां पर देखिए। बट जैसे वजह देखिए ये अप्रैल यहां पे ये जो मैंने लाइन लगाई है प्राइस तो यहां पे हो गया था ऊपर, बट ये बार बार हो रहा था बट नीचे भी आ रहा था डेली के चार्ट पर। बट हमने पहले इसको दोबारा फिर देख लिया, हमने पहले वीकली के चार्ट पर कन्फर्मेशन देखी, जब हमें वीकली के चार्ट पर कन्फर्मेशन मिल गई कि ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि उस टाइम डेली के चार्ट पर, यस डेली चार्ट पर ऑलरेडी ये 200 मूविंग एवरेज के दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एट लीस्ट आप 30-40% टारगेट मिनिमम ले सकते हो। स्टॉप लॉस कब रखना है, स्टॉप लॉस आपने रखना है, स्टॉप लॉस देखिए आपका बिल्कुल टाइट रहेगा। स्टॉप लॉस आप वीकली के चार्ट पे देखोगे कि अगर वीकली के चार्ट पर ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है वीकली चार्ट पर तब आपने एग्जिट कर जाना है। तो ये तो था सिर्फ एक टाइप से एंट्री। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम इस बेस इसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल स्मॉल रहेगा, बिल्कुल स्मॉल SL और टारगेट कितना ज्यादा है। तो ऐसे अगर इस
टाइप से आपको एंट्री मिल जाती है। अगर मंथ में आपने ऐसे चार पांच स्टॉक भी में एंट्री कर ली तो देखिए आपका एवरी मंथ कितना बड़ा प्रॉफिट रहेगा, और वो भी पार्ट टाइम से। कोई आपने इसको एनालाइज करना है वीकली बेस पर, सैटरडे संडे आपने स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा आप देखिए दूसरे टाइप से एंट्री कैसे करनी है। जैसे ये देखिए GNAXL मैंने अभी टेलीग्राम पर भी डाला था, आपको मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप डालिए, ये अगर नहीं पता तो अभी रिसेंटली ये दिया था मैंने, देखिए GNA ये 580 पे दिया था, और इसका आज की डेट में देखिए ये 28 जुलाई को, और आज की डेट में इसका प्राइस चेक करोगे तो ये देखिए 614 हो गया। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 अगस्त, सॉरी 8 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ, 8 अगस्त को आज, और ये अभी प्राइस 637 तक पहुँच चुका है। आज इसमें कोई ऑपरेशन चल रही है तो मतलब टेक्निकल इशू होगा कुछ ट्रेडिंग व्यू की साइट पे, तो इसलिए करेक्ट प्राइस नहीं दिखा रहा आज का। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्राइस एक्चुअली नीचे दिखा रहा है, बट एक्चुअली ये हाई बनाया है इसने अभी 642 यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो दूसरे टाइप से एंट्री तो फ्रेंड्स आपने ऐसे करनी है कि अगर प्राइस ये देखिए 200 डेज के वीकली चार्ट पर दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए, वीकली चार्ट पर दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है और इसके बिल्कुल आसपास में नियर है। तो ये देखिए यहां से इसमें क्या हुआ था, ये एक मूव आया था बड़ा सा और फिर फॉल आ गया, बट आप फॉल भी देखोगे तो ये दोनों मूविंग एवरेज के पास में ही बार बार इसके आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री मिली और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, बट साथ में इसमें हमने क्या देखना है कि डेली के चार्ट पर आप देखोगे तो डेली के चार्ट पर भी हमने देखना है कि जब दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकले तब आपने एंट्री करनी है। तो ये देखिए दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ये अभी ये देखिए 5 अगस्त को इसने एंट्री कर दी थी 600 के ऊपर, और यहाँ बिल्कुल एक क्लोज ग्रीन कैंडल मिली। और इससे पहले भी आप देखोगे कि जब ये डेली कैंडल ये लास्ट टाइम ये प्राइस ऊपर गया, बट ये जो मूविंग एवरेज है रेड वाली इसको देखिए इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर दूसरी मूविंग एवरेज थी जो EMA है, EMA को क्या किया सपोर्ट लिया। ये पहले MA को मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस कर रहा था और EMA को सपोर्ट ले रहा, तो यहां से सपोर्ट लिया और क्लोजिंग यहां पर मिल गई, तो आपको एंट्री यहां पर मिल गई थी ये 5 अगस्त को। हिट लिस्ट अगर आपने वहां एंट्री नहीं की तो यहां पे एंट्री मिल गई आपको, ये देखिए 5 अगस्त को एंट्री मिली, और ये देखिए प्राइस ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी इसमें 57% से ज्यादा इसमें रिटर्न आ चुका है। एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिए HDFC बैंक का, देखिए जब यहाँ पर कोविड में मार्केट क्रैश हुई थी प्राइस नीचे आया था देखिए फास्ट, और जब ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकला वीकली चार्ट पर, और तब देखिए ये प्राइस कैसे फर्दर अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए जब ये मूविंग एवरेज के डाउन के बाद जब ऊपर सस्टेन हुआ उसके बाद आप आपको यहाँ की एंट्री मिली, बट साथ में आपने क्या करना है कि डेली के चार्ट पर भी देखना है। तो डेली के चार्ट पर आप देख सकते हो कि जब डेली के चार्ट पे देखोगे तो ये देखिए यहां पर भी गया ऊपर गया, और ये फिर देखिए डेली के चार्ट पर मूविंग एवरेज ऊपर नीचे होता रहा, या कभी ऊपर कभी नीचे, और फाइनली ये सितंबर 2020 के बाद फिर वन साइडेड चला। तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि आपको फिर ध्यान से सुनिए कि हमने अगर आपको एंट्री यहां मिल रही है जैसे, और वहां डेली के चार्ट पर भी दिखा रहा है, तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा अगर ये वीकली क्लोजिंग द्वारा फिर इसके नीचे देगा। क्लोजिंग आपने वीकली चार्ट के हिसाब से देखनी है, वीकली चार्ट के हिसाब से देखनी है कि जब दोनों मूविंग एवरेज के नीचे मिल जाए तब आपका वो स्टॉप लॉस रहेगा, हिट हो जाएगा। और दोबारा फिर अभी देखिए ये प्राइस ऊपर से निकल कर अभी फिर इसमें एंट्री, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लिया इसने 2 टाइम्स, और वहीं से थे प्राइस। तो ये स्टॉक भी देखिए मैंने आपको 1282 के प्राइस पे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर दिया। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसमें 2 टाइप्स एंट्री कैसे लेनी है, कि जब वीकली चार्ट पर अगर वो ट्रेंड दोनों मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे चल रहा है, और उसके बाद जब दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज मिल जाती है तब आपने एंट्री करनी है। साथ में डेली के चार्ट पर भी देखना है कि वहां पर भी क्या दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक सस्टेन हो गया है, क्लोजिंग मिल चुकी है या नहीं। दूसरा टाइप ये है कि जैसे प्राइस रिट्रेस हो रहा है तब एट लिस्ट, अगर ये वीकली चार्ट पर आपको वहां पे सपोर्ट ले रहा है बार बार तब वहां पे एंट्री करनी है।
तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप वीकली के चार्ट देख रहे हो तो इसमें आपको देखिए टाइम पीरियड ज़्यादा देना पड़ेगा, स्टॉक को होल्ड करने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली चार्ट पर काफ़ी समय भी बिता देता है। तो उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि मोमेंटम कैच करने के लिए साथ में डेली के चार्ट पे देखिए कि क्या दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है या उसके ऊपर क्लोज दे रहा है या नहीं। और साथ में फ्रेंड्स इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने स्टॉक में जब कि किसी भी स्टॉक में फ्रेश मुझे एंट्री करनी चाहिए कि वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है और उस स्टॉक में रिस्क कितना है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने स्टॉक में देखिए कि क्या वो डाउन ट्रेंड में है या फिर वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ये रिवर्सल दे चुका है तब आप एंट्री कीजिए, या फिर बिल्कुल ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है तब एंट्री कीजिए। तो इसलिए अब आप किसी भी स्टॉक में एंट्री करनी है तो सबसे पहले अपने चार्ट पर सिर्फ ये सेटअप लगा लीजिए बिल्कुल सिंपल, और देखिए कि आपको खुद जवाब मिल जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे इस स्टॉक में एंट्री करनी है या नहीं करनी है या होल्ड करूं या नहीं होल्ड करूं, वो आपको इस सेटअप के बेस पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या सर आप खुद ये यूज़ करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि यस मैं यूज़ करता हूँ, बट मैं पहले प्राइज एक्शन और एडवांस प्राइज एक्शन को देखता हूँ, बाद में फिर ये देखता हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो प्राइज एक्शन और एडवांस प्राइज एक्शन से कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं बिल्कुल लो रिस्क के साथ, तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मेरी ऐप का नाम है ट्रेडर विशाल शर्मा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐप के अंदर आपको देखिए वहाँ पर आपको कोर्सेज शो करेंगे, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो या फिर वहाँ पे क्वेरी कर सकते हो। वहाँ पर भी हमारा एक A to Z बिल्कुल बिगनर से लेकर एडवांस प्रोफेशनल ट्रेडर तक A to Z कोर्स है, तो आप उसको एक देख सकते हो जो मास्टर ट्रेडर के नाम से है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेटअप समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है, ईजी है यूज़ करना। इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा चार्ट देखिए और आप देखिए कि इसमें कितना लो रिस्क रहता है इस सेटअप के बेस पे ट्रेड करना। तो और साथ में फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि हम चार्ट तो लगा लेंगे सेटअप तो लगा लेंगे बट स्टॉक्स कैसे निकालें, कैसे स्टॉक्स निकालें कि इसमें ये वाले स्टॉक फिल्टर होकर आ जाएं जिसमें ये दोनों मूविंग एवरेज पर फिट बैठते हों, तो मैं आपको वो स्टॉक स्क्रीनर भी बता दूंगा कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। बट उसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में मिनिमम 500 लाइक कीजिए, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से ये स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई, क्योंकि आपको ऐसे तो आप स्टॉक करते रहोगे, एक एक वन बाय वन चेक करते रहोगे कि किसमें ये हुआ है रिवर्सल हो रहा है या सपोर्ट पे है। तो मैं उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो अलग से बना दूंगा स्क्रीनर का कि कैसे आपने स्टॉक सिलेक्शन करनी है स्क्रीनर के थ्रू। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो दैट फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊं आप सबके लिए। और वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश किया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और फ्रेंड्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर लाइव मार्केट में अपडेट मिलते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।